सेहत विभाग पठानकोट की ओर से डेंगू के सीजन शुरू होने से पहले शहर भर में सतर्कता बरतनी शुरू कर दी गई है, जिसके चलते आज हेल्थ इंस्पेक्टर अविनाश शर्मा के नेतृत्व में बस स्टैंड स्थित वर्कशॉप में सर्वे किया गया और इस मौके पर जगह जगह पर इकट्ठे हुए पानी को नष्ट किया गया है और स्प्रे भी की गई। इस मौके पर अधिकारियों ने रोडवेज के GM को भी अपने कर्मचारियों को आसपास पानी इकट्ठा ना होने के निर्देश दिए हैं और अपील की है। आज सिविल सर्जन पठानकोट डॉक्टर बिंदर कौर जी के हुक्मां ते साडी सेहत विभाग की टीम वालों बस स्टैंड दे नाल जिहड़ा डिपो आ उत्थे सर्वे किया गया, स्प्रे करवाई गई आ अते चैक किया गया भी कितने पानी वगैरह नहीं खड़ा। साडी टीम नूं काफ़ी जगह पर पानी जिहड़ा खड़ा मिलिया, कुछ प्लास्टिक के भांडे ही जां टायर जिन्हां विच पानी खड़ा सीगा उन्हों डिस्ट्रैक्ट कर दिता गया ते जनरल मैनेजर ने यह कह दिता गया भी ये जल्दी तो जल्दी जिहड़ा वा सफाई करा ली जाए, जिते पानी कितने खड़ा वा उसे तेल वगैरह पा दिता जाए ता जो आने वाले समय के डेंगू तो जिहड़ा बचा जा सके। असी बार बार जिवें लोगों यही अपील करते हैं कि हुण सरकार वल्लों ये कह दिता गया कि पहला शुक्रवार सीगा हुण ऐतवार नूं अपने घरां दे विच पूरी चंगी तरह सफाई करो, कितें भी पानी खड़ा ना होण दिता जाए। जिवें कूलर वगैरह असी वरतदे हां जां फ्रिज दी बैक साइड दी ट्रे उन्हों हफ्ते में एक बार जरूर सुका के दोबारा भरया जाए। होर टुटा भजा समान असं कई बार छत्तों उपर सुट दें, बारिश आँदी उदों पानी भर जाता भी डेंगू का मच्छर बनने बहुत चांस होंगे। कई बार पंछियों को पानी पाने वो भी पानी दोबारा दोबारा पाई जाने, पहला पानी नहीं बदलते साफ नहीं करते, उन्होंने भी चंगी तरह हफ्ते एक बार सुका के दोबारा भरया जाए ता जो आने वाले समय में डेंगू तो बचा जा सके।